टेलीविजन का मीडियम एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए, बिकॉज मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ इतना खास. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आपका काम अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, आपका किरदार अच्छा निकल के आ रहा है, तो आप फिनाले तक भी जाएंगे. जैसे मैं 24 में गया था, तो लोगों को काम पसंद आना चाहिए. ऑडियंस इज द बॉस. तो अगर ऑडियंस को पसंद आ जाता है तो दैट मीन्स दे विल वॉच मोर ऑफ मी. तो टेलीविजन के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई एम really thankful to my audience that they love me and I love them back. जैसे कि शादी में जरूर आना में आपने कैरेक्टर प्ले किया है. हाँ जी. उसके बारे में कुछ बताइए. शादी में जरूर आना itself, it's के एक शादी होने वाली है. फिर दिखाते हैं कि शादी नहीं होती है ट्रेलर में. फिर क्यों नहीं होती है, फिर वो एक मेरा इंतकाम करके गाना था जिसमें मेरी एंट्री होती है. और क्यों शादी नहीं होती, वो रीज़न मैं हूँ और किस वजह से मैं आता हूँ वो आपको देखना पड़ेगा. ओके. किस तरह की बॉन्डिंग थी आपकी राजकुमार और कृति के साथ सेट्स पे? ऑनेस्टली मैंने जितना भी आज तक काम किया है, मेरा एक लॉन्ग स्ट्रेच रहता है जहाँ तक मैं शुरुआत से रहता हूँ मैं. बिकॉज एक कैमियो है, बिकॉज एक ट्विस्ट के साथ आता है कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि अगर आपका जो भी काम होता है अगर वो लिमिटेड रहता है और उसमें ही आपको सब कुछ करना होता है, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. मगर उसको सपोर्ट करने के लिए राज और कृति ने काफ़ी सपोर्ट किया. राज ने मुझे अपने उबले हुए चने खिलाता था मुझे रोज़ सेट पे. बोलता था कि यार ये खाया करो. बोला चलो ये खाते हैं, इससे परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा. बट जोक्स असाइड, ही इज़ अ ग्रेट गाय. ही इज़ अ बिग फूडी, रियली हेल्थ कॉन्शियस. और एक इनपुट लेने से, मतलब दो चीज़ें मुझे एक्टरों की बहुत पसंद आती है जो राज में है, स्पेशली कृति में भी है, कि एक्टर को क्यूज़ कैमरे, अगर उनका सीन भी नहीं हो रहा हो, अगर मेरा शॉट है तो वो देखेंगे कि आप वहाँ ही खड़े रहें कैमरे के पीछे और आपको क्यूज़ दें ताकि आपके इमोशंस, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे. दैट्स समथिंग वेरी ब्रिलियंट. और न्यू एज एक्टर्स के साथ मैंने नोटिस किया है, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड डू. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स. एंड शादी है मतलब धमाल मस्ती, एंटरटेनिंग सॉन्ग्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, लाइफ, लव. It's going to be a fun journey. People should come and watch it. ऐसे कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के वक्त, जो आप कभी नहीं भूल सकते? शादी में ज़रूर आना. मैं इंसिडेंट तो यही है कि सबसे पहले लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि जब वो है ना एसी में या थिएटर में या अपने घर पे है ना देख रहे हैं, तो हम लोग कितनी मेहनत से गुजरते हैं. हम लोग लखनऊ इलाहाबाद की गर्मियों में काम कर रहे थे और ऐसी ऐसी रिमोट लोकेशंस पे काम कर रहे थे जहाँ तक पानी भी पहुँचाना मुश्किल था. तो हम लोगों ने भूखे प्यासे कैसे भी अपना काम ख़त्म किया है और वो दिखता नहीं है कैमरे पे. तो दैट्स वन अचीवमेंट. और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही मेरे लिए रहा है कि आई डोंट माय डायरेक्टर ऑलवेज टोल्ड मी कि डोंट ओवरडू थिंग्स, यू नो, कि जितना भी आप नेचुरली करो वो ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को. तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक आई टेक बैक फ्रॉम माई डायरेक्टर. एट द सेम टाइम She's a brilliant director. She's a brilliant woman. She's the next generation. She's going to be the next, maybe even a Sanjay Leela Bansali. You know, so I think my biggest experience was working with a good director. Okay, web series ki baat, to usme aapka favorite moment kaun sa? Mere favorite moments behind the scenes, behind, matlab in between takes hote hain. Main mazak masti bahut pasand karta hu. जो बहुत सारे लोग हैं ना कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन लाइक मुझे है ना लाइक एक एनर्जी और एक वाइब बहुत अच्छा लगता है सेट पे कि मजाक मस्ती चलती रहे. तो वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ रिडिकुलस थिंग दैट आई डिड वाज के कोई भी चीज़ बोलते हैं ना करने, हम लोग एक ऑफिस स्टूडियो में काम कर रहे थे और सडनली एक अलार्म चले जाता है और सब लोग है ना हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया, फायर हो गई कि क्या हो गया, अभी वो किसने किया. तो ये सारी चीज़ें मजाक मस्ती अच्छी होती है. मैं वी आई ऑलवेज पुल माय को-एक्टर्स लाइक माय डायरेक्टर्स लाइक एंड ऑल दैट. बट दैट्स वन ऑफ द फन थिंग्स दैट मेक्स यू वांट टू वर्क फॉर 15-16 आवर्स अ डे. जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपका फेवरेट कौन है जिससे आप फर्दर में काम करना पसंद करेंगे? मैं फर्दर मैंने राज का वर्क हमेशा फॉलो किया. मैं हमेशा राज को बोलता हूँ कि यार आई रियली लुक अप टू द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट यू चूज, या जो स्क्रिप्ट्स आपकी तरफ आती हैं और आप उनको चूज करते हैं. तो राज इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द एस एक्टर्स. बिसाइड दैट रणवीर की मुझे लुक और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद है. तो एंड एज फार एज विमेन, आई थिंक आलिया इज़ एब्सोल्यूटली फैबुलस. आई वॉज दिस क्लोज टू बींग पार्ट ऑफ डियर जिंदगी, मगर 24 कर रहा था तो मैं नहीं कर पाया.
लेकिन आई वुड वांट टू वर्क विद आलिया अगेन. ओके, अगर कोई रीमेक फिल्म का बनाना हुआ तो आप कौन सा फिल्म का करना चाहेंगे और किस की कैरेक्टर को प्ले करना पसंद करेंगे? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल रीमेक्स और मैं एडेप्टेशन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. जितने भी मेरे पास काम आए हैं या तो वो जैसे 24 वाज अ रीमेक ऑफ द इंटरनेशनल सीरीज, यू नो मैंने एक सियासत किया था शो वाज अ एडेप्टेशन ऑफ अ बुक, हक से जो बालाजी पे आ रहा है इज अनदर एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन मुझे ज़्यादा पसंद है. रीमेक आई थिंक दीवार का रीमेक एक माइंड ब्लोइंग वाला बनना चाहिए. आप किसे अभी तक अपना रोल मॉडल रोल मॉडल? मेरे रोल मॉडल्स तो एक्चुअली मेरे पिताश्री हैं जो मुझे हमेशा यू नो हमेशा सीख देते हैं. तो मैं अपने माँ बाप से काफ़ी सीखा हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा सीखा हूँ. तो मेरा एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा रोल मॉडल है. आई नो घिसा पिटा सा आंसर है बट दैट्स अ फैक्ट. बट एज फार एज स्टाइल स्टेटमेंट एंड ऑल दैट इज कंसर्न, सैफ अली खान हैज़ बिन अ मतलब माई लव फॉर बंडानाज हैज़ बिन ओनली बिकॉज ऑफ सैफ अली खान. सो आई विल ऑलवेज गिव दैट क्रेडिट टू हिम. पता नहीं कहाँ से आपको पता चला है बट इट्स जस्ट टू इनिशियल टू टॉक अबाउट इट ऑनेस्टली. यू कैन से दैट आई हैव सी आई मेड अ वेरी क्लियर फंडा कि मैं वेब भी करूँगा, मैं टीवी भी करूँगा, मगर मेरी जो फिल्म्स हैं उनमें मैं मीडियम बजट की फिल्म्स भी कर रहा हूँ, साथ में मल्टी स्टारर भी कर रहा हूँ. बट मल्टी स्टारर एंसेंबल कास्ट को एक बेटर ओपनिंग मिलती है तो वो मैं डेफिनेटली हर साल करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, फाइनली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज कीप ऑन शावरिंग मी विद ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइज गिव मी. बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू गाइज, टॉकिंग टू द वर्ल्ड. तो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी. और मैं हमेशा आपको यही कोशिश रही मेरी कि मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँ.